हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं कि सब ठीक होंगे। और आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। और आज का व्लॉग थोड़ा सा वो लेट है, लेट हो गया। और दूसरी बात ये कि मैं भी गया हुआ था कहीं, मैं गया हुआ था अपनी कटिंग वगैरह करवाने के लिए। और कल से मेरी, परसों से दो दिन से मेरी तबीयत भी जो है ना, और आज मेरी खराब हो गई। आज मैं अवेश की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई। गर्मी इतनी ज्यादा है ना, तो सर में इतना ज्यादा दर्द, और कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा था। मैंने सुबह से काम नहीं किया था, मैंने अभी काम किया थोड़ा बहुत। तो काम करने के बाद मैं नहाई हूँ, लेकिन तबीयत मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। तो मैं फिर ऊपर जाके लेट गई थी, तो अभी सलमान आया, तो इससे जाहिर बात है तीन बच्चे हैं तो खुशी भी है, फिर खुशी छोटी है वो भी तंग करती है। आपको पता है तंग क्या करती है? आप वही बार बार दूध वगैरह फिर बना के दो बच्चों को, देखो तो बड़ा मुश्किल। और अभी अभी मैविश भी फ्रेश हुई है, मैंने बोला चलो फ्रेश हो जाओ व्लॉग बना दो, वरना आज मूड नहीं था व्लॉग बनाने का। हाँ, मेरी तबीयत सही नहीं थी, मैं ऊपर सो रही थी। सलमान अभी आया तो उससे मुझे उठाया, कहता आज नीचे चले, मैंने कहा चलो ठीक है। हाँ, अभी अभी देखे टाइम हो गए, यहाँ पे 9:30 हो गए। हाँ गया टाइम। हाँ ये रहा, इस गर्मी की वजह से बड़े लोगों की तबीयत खराब हो रही है, मेरी भी, मेरी खुद तबीयत बहुत ज्यादा वो हो गई। वैसे तो कूलर चलता रहता है, घर भी ठंडा पर हो जाती है। और यहाँ पे मैं हूँ, और मैं गया हुआ था अपनी कटिंग करवा के आया हूँ और शेप बनवा के आया हूँ। यहाँ से नहीं, यहाँ से नजर आएगी सही। यहाँ से कटिंग भी करवा के आया हूँ और शेप भी बनवा के आया हूँ। और मैंने कहीं जाना था कुछ लेने के लिए, कुछ हमारी चीज़ें आई थी वो लेने के लिए जाना था, पर वो कॉल नहीं आई। तो इंशाल्लाह कल कॉल आ जाएगी, वो लेके आएंगे। हाँ। तो आज हम लोगों ने कुछ भी नहीं बनाया खाने में। ये देखे मैं अभी, इसकी तबीयत ठीक नहीं थी और टाइम भी देखे जैसे आपको बताया 9:30 हो गए, और कुछ भी नहीं बनाया। और आज का खाना आएगा हमारा बाहर से हमारा खाना आज का आएगा। तो अभी मैं लेने जा रहा था, मैंने बोला चलो छोटा सा व्लॉग आप लोगों के साथ करते हैं शेयर, क्योंकि जो मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जो मेरा वेट कर रहे होते हैं उनके लिए अपडेट वगैरह हम लोग देते रहते हैं। हाँ, ये देखिए हमारी पिक्चर, ये बहुत पुरानी है पिक्चर। ये इंस्टा से किसी ने उठा के दी थी, हमें ये बना के दी थी। और क्या इसका नाम है, ये आप लोगों के साथ हम लोग छोटी मोटी एक्टिविटी अपनी शेयर करते रहते हैं। जो और बाकी लोग छत पे, और अम्मी आने वाली थोड़ी देर में, क्योंकि अम्मी 10 बजे तक आती है। अम्मी 10:30 बजे तक आती है, फिर अम्मी थक जाती है। अम्मी तो फिर अम्मी थोड़ी काम करेगी, इससे पहले मैं खाना लेके आ जाता हूँ। तो इसलिए मैंने बोला चलो खाना वाना मंगवा लेती है, और मैं तो अम्मी को कुछ भी नहीं करने देती। अम्मी अगर अपनी मर्जी से करना चाहे वो अलग बात है, लेकिन मैं कुछ नहीं करने देती। अम्मी आती वैसे रेस्ट को, तब तक 11 बज जाते, 10:30 बजे आएगी। अम्मी आएगी, थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर अम्मी ऊपर जाएंगे, हम लोग काफी बातें करेंगे, फिर नीचे आएंगे। अगर अम्मी के पसंद का कुछ फेवरेट खाना हो तो अम्मी खा लेती, वैसे भी रात को खाना नहीं खाती वो, इसलिए क्योंकि अम्मी रात को खाना खाती फिर अम्मी कहती मुझे नींद नहीं आती। तो अभी मैं जा रहा हूँ, तो खाना लेके आता हूँ, फिर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। चलो गेट बंद कर लो। चलें जी, मैं घर पे पहुँच गया हूँ और मैं यहाँ पे खाना लेके आ गया हूँ। खाने में मैं लेके आया हूँ कबाब वगैरह और सालन वगैरह, दो सालन लेके आया हूँ और कबाब वगैरह लेके आया। और यहाँ पे अम्मी भी आ गई है। आज मैविश की तबीयत ठीक नहीं थी और मैविश ने खाना नहीं बनाया, तो मिले अम्मी से। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत होंगे, आपके दुआ में ठीक हूँ। तो खाना मेरा इंतजार कर लेते, मैं बना लेती क्योंकि मैं आ गई। अम्मी के टाइम देख लो, मैंने बोला था ना 10:30 बजे, तो अम्मी आई है लेट, तो फिर आते ही काम करे तो फिर अच्छी बात नहीं। वैसे तो मैविश रेगुलर बना लेती है, 10:10 मिनट पे अम्मी आई थी। हाँ, तो फिर बना। कल मैं घर पे नहीं आई थी, कल भाई के घर में चली गई थी, तो फिर आज मैं आई हूँ। तो खाना खाने का तो कोई मसला नहीं है, अगर जल्दी आते तो फिर बाहर जाते फिर खा लेते। हाँ, तो अम्मी आते लेट है, मैं तो अम्मी कह रही थी अम्मी जल्दी आना फिर बाहर चलेंगे हम लोग। हाँ, अम्मी की टाइमिंग ये, अभी अम्मी कल नहीं छुट्टी करेगी, परसों बोल रही छुट्टी करूंगी, छुट्टी करूंगी, कल नहीं करूंगी, फिर बट कढ़ाई पे चलेंगे। हाँ, सही बात है। कौन सी पे कढ़ाई? बट कढ़ाई किसको बोलते हैं? तो खाई नहीं है तो पता क्या फिर? हाँ, मैं तो खाई नहीं है। बट कढ़ाई का नहीं पता? पता तो खाई नहीं है ना बट कढ़ाई, तो लेके लेकिन जब खाएंगे तो पता चलेगा उसको, क्या पता कि क्या है क्या नहीं, जब खाएंगे तो पता चलेगा। कढ़ाई देखो कितनी किस्म की होती है, जैसे ग्रीन कढ़ाई, व्हाइट कढ़ाई और कितने सारे किस्म की होती है, तो ये वाली कौन सी होती है कमेंट्स में बताना सही है, हो सकता है खाई हो। हाँ, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा मैविश को, ताकि पता चल जाए बट कढ़ाई क्या होती है। सही है, ये नॉर्मली होती है, वैसी होती है, इसका नाम होता है बट कढ़ाई। नाम रखा होगा ना, वैसे तो हो सकता है खाई हो। हाँ, तो चले जी अभी खाना वाना लगाते हैं, फिर खाते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। जी हाँ जी, यहाँ पे मैविश कर रही है दुआ की बुक के कलर कर रही है। देखे जी, इसकी टीचर ने बोला था कि कलर करना, तो फिर दुआ तो आपको पता छोटी कलर तो कर लेती, इसको ये नहीं पता कि फिर वो तस्वीर से जो है ना बाहर निकल जाते हैं कलर। हाँ, वो जब कलर करती है तस्वीर से, थोड़े थोड़े उसने भी किए हुए हैं, वो भी दिखाओ जो पीछे उसने किए शुरू में। दुआ भी करती है शुरू में उसने किए हुए हैं ना बुक पे, काफी सारे कलर किए हुए हैं। इसके पेज ना निकल रहे हैं सारे, तो थोड़े बहुत मैविश कर देती है,
ये मैं दुआ का बैग भी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह छुट्टियों के बाद जाएगी दुआ स्कूल जाएगी, एडमिशन करवाएंगे छुट्टियों के बाद। और खाना भी हम लोगों ने लगाया नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं लगाया बच्चे अम्मी के साथ गए हैं, सारे पेपर अभी बाहर गए हैं ना, बाहर गए अम्मी के साथ थोड़ा एंजॉय करने के लिए। और ये भी यहाँ पे एंजॉय कर रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। ओए खुशी, ओए ओए गोलू मोलू गोलू मोलू। और एक दो कमेंट्स आएंगे खुशी बहुत वीक है इसको नहीं दिखाया कर, इसको पिलाया पिलाया करो। हाँ तो कहते हैं कि इसको दूध नहीं पिलाती, ऐसी बात नहीं, मैं इसको फीड वगैरह कराती हूँ, दूध भी पीती है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं वीक होते हैं वो टाइम के साथ सही हो जाते हैं। ये तो फिर भी सही है, दुआ हमारी बिल्कुल जो है ना इससे भी वो थी, कमजोर थी। हाँ तो ये हेल्दी होगी और ये बहुत ज्यादा हेल्दी होगी, इसका फेस भारी हो गया, वीडियो भी शायद आपको ज्यादा कमजोर लग रही होगी, लेकिन ये नहीं सही है, फेस बहुत देखो खेल रही है, खेलती कितना है। ओए ओए माशाल्लाह माशाल्लाह, ओए मेरा बेटा, ओए ओए खेलती है। नहीं है लोग कहते हैं कि आप इसका ख्याल नहीं रखती या इसकी फिक्र नहीं करती, ये मैं इसका सबसे ज्यादा ख्याल रखती हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम भी मैं खुशी को देती हूँ, पता है। तो ऐसी बात नहीं कि मैं इसका ख्याल नहीं रखती, मैं इसका बहुत ख्याल रखती हूँ। मेरी बेटी क्या स्कूल जाना है, स्कूल जाना है, इसने पढ़ने का शौक है बहुत, तो पढ़ लो, घर पे बैठ के भी इंसान पढ़ सकता है। नहीं वैसे बोल रहा हूँ, घर पे बैठ भी बंदा पढ़ सकता है, मैंने क्या बोला है, पढ़ाई की तो कोई उम्र ही नहीं है, जब चाहो पढ़ सकते हो। मुझे ड्राइंग करने का बहुत शौक है, बहुत ज्यादा। तो फिर ऐसा करो ना, वो ड्राइंग की बुक ला के दे, उस पे बस ड्राइंग किया करो, मेरी पिक्चर बना लोगी, बना लूंगी, चलो मैं सुबह ला के दूंगा बना के दिखाना। सही है, कमेंट्स बताना किस किस का शौक है ड्राइंग का, मुझे बहुत ज्यादा शौक है, मुझे कलरों। और ये दीवार गंदी नजर आ रही है ना, इसको हम लोगों ने कलर करना है, अभी नहीं करना पर करना है इसको कलर। मैं बहुत शौकीन हूँ ऐसी चीजों की, कलर वगैरह करने की और ड्राइंग करने की, बहुत अच्छा लगता है। घर का भी हो ना तो कलर वगैरह मैं कर लेती हूँ खुद ही। चले जी यहाँ पे खाना लगा रही है महवेश, और फिर खाएंगे हम लोग खाना। क्यों दुआ, और दुआ आइसक्रीम खाएगी, मम्मा के साथ गई थी आइसक्रीम खाने, गर्मी की वजह से भूख ही भर गई, खाना खाने को दिल ही नहीं करता। मैंने यकीन मानो सुबह से जो है ना, पहले खाना खाओ खाने के बाद एक रोटी खाई है, बस पानी पीने को दिल करता है पानी पीते रहो, है ना। हाँ पराठे नहीं, रोटी है, पराठे नहीं है। और ये बंदा एक नुकसान करके आ गया, क्या हुआ, ये गया हुआ था बाहर और ये बाइक पे एक चप्पल गिरा के आ गया और एक बचा के ले आया है। काका ये भी फेंक देते फिर, आप नुकसान करके आ गए हो। सर्दियों में कैपे और गर्मियों में चप्पल, ये चलती बाइक पे क्या है, पैसे उठा के फेंक देता है बस। लाइक करो फॉलो करो, बस ये लाइक करो फॉलो करो, बस उसने लाइक बोल दिया फॉलो बोल दिया, अभी उसको चप्पल की टेंशन नहीं है। सुबह में जब जाएगा ना दुकान पे फिर इसको टेंशन होगी। इसमें शोर मचाया था, हमने समझा कह रहा पापा पापा, मैंने समझा पापा को आवाज़ आ रही है, पापा नहीं है, चप्पल संभाल कर रख लिया फायदा इसको। एक उस दिन भी सीन हो गया था छत पे इसका, सुराख में चप्पल चलेगी वहीं भी रोना शुरू कर दिया, मैं चप्पल तो नजदीक की पड़ी है मगर सामान ने जाने नहीं दिया साधा, अंधेरा हो रहा है, मैंने कहा अभी क्या जाना इतनी दूर। चलो यहाँ पे माशाल्लाह इसने खाई आइसक्रीम, और इसका मुँह देखो कैसे खाई है, ऐसे खाते, लाइक करो फॉलो करो, हाँ गुड जी। अभी हम लोग खाना खाने लगे हैं, फिर खाने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। वहाँ पे अभी आइसक्रीम एंजॉय हो रही है, खाना तो हमने खा लिया, और अभी यहाँ पे खा रही है महवेश आइसक्रीम, और यहाँ पे अम्मी खा रही है, ठीक है, जिस दिन भी खानी हो आ सकता वो खा सकता, खा सकता है। और यहाँ पे दुआ खा रही है, क्योंकि बच्चे नीचे बैठ के खाते अच्छे, वरना बेड शीट खराब हो जाएगी, वो बहुत बुरी तरीके से खा रहा है, इतना मुंह ठंडा हो गया बोला। तो चले जी आज का व्लॉग यहीं तक था, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को करना अपने सब्सक्राइब लाइक शेयर और कमेंट्स करने में बहुत सारा प्यार। और आप लोग कहते हो कि पहले बीमार थे भी सही हो गई, तो जाहिर सी बात है बीमारी में भी ना इंसान कहीं ना कहीं थोड़ी सी खुशी ढूंढ ही लेता है। और ये देखो इस बंदे ने आइसक्रीम गिरा दी, तो आप पी लो पी लो इसको, ऐसे पी लो, कैसे पी लो, पी लो, पी के दिखाना जरा, पी के तो दिखाओ जरा, ऐसे पीते हैं। ओए मामा ओए ले, चलो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बाय।